क्वेश्चन नंबर टू, नेम द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देन द कंपाउंड इज, आंसर इज हेलोजिनेटेड कंपाउंड, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन हेलोजन्स है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम ओजोन लेयर की बात ही क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ यूवी रेडिएशंस की। यूवी रेडिएशंस की एंट्री हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रिवेंट कौन करके रखता है? ओजोन लेयर। अगर यूवी रेडिएशंस एंटर करती हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, हम ह्यूमन बीइंग्स पे भी। सबसे इम्पॉर्टेंट इज स्किन कैंसर कॉज कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि प्रिवेंट होने चाहिए। ओजोन लेयर की डिप्लीशन नहीं होनी चाहिए ताकि यूवी रेडिएशन से हम बचे रह सके। सो कौन करता है ये? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर